केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बरेली दंगे के मास्टरमाइंड और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले बयान पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है कि गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि भारत का विभाजन हुआ तब अगर उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया गया होता तो यह नौबत आती ही नहीं। इस दौरान उन्होंने साजिश के तहत इनको यहाँ रोका गया जिससे आज ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई। गलती यह हुई कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा था तब यहाँ मुसलमान को रहने दिया गया। बता दें कि तौकीर रजा ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे 21 जुलाई को 5 जोड़ों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं। साथ ही उसने यह भी कहा था कि उसके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब एक 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा कर उनसे निकाह करवाया जाएगा। मौलाना ने कहा कि इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन से इजाजत मांगी गई है। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भड़क उठे हैं। गिरिराज सिंह तौकीर रजा को चेतावनी दी कि वे हिंदुओं का इम्तिहान ना ले, बहुत जरूरी अब विस्फोट होगा। गिरिराज सिंह ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को भत्ता देने के फैसले का जिक्र करते हुए पूछा कि इस पर ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अब अगर देश में कोई नया राज्य बनेगा तो वह मुस्लिम प्रदेश बनाया जाएगा।